Hey, what's up everybody? तो कैसे हो आप लोग? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मतलब PUBG का फुल ट्यूटोरियल बताने जा रहा हूँ, एक तरीके से इसे गाइड भी कह सकते हैं। PUBG को कैसे प्ले करते हैं, उसमें गन्स वगैरह मतलब किस प्रकार यूज़ करते हैं, बम कैसे चलाते हैं, और सर्कल का ये क्या लफड़ा होता है कि सर्कल से बाहर रहे तो आउट हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। और किस प्रकार एक नए बिगिनर जो PUBG प्लेयर होगा उसको किस प्रकार PUBG को प्ले करना है वो मैं आपको सब इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले तो आपको गेस्ट से लॉगिन कर लेना है या फिर आप किसी भी फेसबुक आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने स्टार्ट के नीचे वाले बटन पर क्लिक किया और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं क्लासिक और आर्केड दो ऑप्शंस लिखे हैं, जिसमें से आप देखिए क्लासिक खेलोगे तो आपको यहाँ पर देखिए एरेंगल और मेरा मार दो ऑप्शंस लिखे हैं। यदि आप दोनों पर क्लिक करोगे तो आपको दोनों लोकेशंस आएंगी, एक पर क्लिक करोगे तो एक लोकेशन आएगी, यदि किसी पर नहीं करोगे तो वो अपने आप ही चॉइस अपने आप PUBG सिलेक्ट कर लेगा कि कौन सी उसे लोकेशन जो है वो आपको प्रदान करनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको एक पे मैं टिक लगा लेता हूँ। अब यहाँ पे नीचे आप 4 पे 2 पे डुओ पे और 1 पे खुद भी अकेले भी खेल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन शूटर में एक ये हो जाता है कि फर्स्ट पर्सन शूटर में आपके जो गन वगैरह वो नहीं दिखाई देती, सिर्फ आपके ऐसे हाथ दिखाई देंगे और आपकी गन दिखाई देगी, आपका जो प्लेयर है वो पूरा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो गाइस फिलहाल मेरा आर्केड अभी नहीं खुला है क्योंकि मैंने अभी लेवल क्रॉस नहीं करी है, इसलिए मेरा जो आर्केड वाला ऑप्शन है वो नहीं अभी नहीं खुल पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैं वापस क्लासिक में आ जाऊंगा और क्लासिक में आ जाने के बाद यहाँ पे मैं 4 की जगह डुओ पे क्लिक करूंगा। फिर डुओ के बाद देखिए मैं सोलो खेलना चाहूंगा, सोलो जो होता है वो खुद अकेले प्ले करता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं एरेंगल पे क्लिक कर लेता हूँ, सॉरी गाइस जोन पे क्लिक कर लेता हूँ और सोलो पे क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देता हूँ। फिर यहाँ पर स्टार्ट के बटन पे क्लिक कर देते हैं। आपका गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन है, मैं अभी देखिए आपको धीरे धीरे बताऊंगा, शुरुआत है गाइज, अभी आप अभी तक नहीं समझ पाए होंगे। ठीक है, कि अभी जो मैंने आपको बताया वो आप नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि देखिए गाइज थोड़ा भी डिफ़िकल्ट है। ठीक है, फिलहाल आपका गेम बहुत ज़्यादा ही सिंपल है, खेलना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आपको खेलना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, करीब 48 सेकंड्स लगेंगे यहाँ पे आपको स्टार्ट होने में, तो करीब 1 मिनट ही बोलता है एक तरीके से स्टार्ट होने में, क्योंकि जो है वो प्लेयर्स जो है वो ज्वाइन हो रहे होते हैं इसलिए आपको थोड़ा बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये एनालॉग से आप इसे रन करवा सकते हैं अपने प्लेयर को। ठीक है, और यहाँ पे जो है थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि जो एक बार मैच स्टार्ट हो जाने दीजिए, फिर हम देखते हैं आगे क्या क्या करना है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग है, आप पूरी देखिएगा बिना किसी देरी के। ठीक है, तो पूरी वीडियो को देखते रहिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप इससे देखिए जंप मार सकते हैं, साइड वाले से जंप मार सकते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, इस बटन से आप बैठ सकते हैं और इस तरीके से आप लेट सकते हैं, तो आपके प्लेयर को लिटवा सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे बटन्स हैं वो आप खुद भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आई से आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है वो हम एकदम से प्लेन में बैठ जाएंगे, एकदम से मैच जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब इतनी बड़ी लोकेशन है, इसमें आपको एक प्लेस सिलेक्ट करना है जहाँ पे आपको करना है लैंड, यानी जहाँ पर आपको गिरना होगा प्लेन से पैराशूट के थ्रू। तो आप मैं अभी यहीं पर जंप मार दूंगा, लेकिन अभी जंप का बटन आ नहीं रहा है, अभी एक जंप का बटन आएगा। यहाँ पर लिखा है प्लेयर्स इन कैबिन 100। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जंप का बटन आ गया है, लोग कम हो रहे हैं 94, तो यहाँ पर मैंने भी जंप मार दी। ठीक है, अब जहाँ पर आपको गिरना है आप वहीं पे एनालॉग को करते जाइए, जैसे मैं इस जगह सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो मैं इस जगह पे जाना चाहता हूँ तो मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, और कैमरे से आप उसे मूव करवा दीजिए। शुरुआत में जब आप नया नया खेलेंगे तो आपको वो जो है वो अपने आप आता जाएगा। देखिए मैं एकदम जूम कर लेता हूँ मैप में जाके, तो मुझे इस जगह पे जो है वो लैंड करना है। ठीक है, ये मैंने कोई बढ़िया प्लेस तो है नहीं, मतलब उतना ही सामान मिल जाता है। देखिए पैराशूट अपने आप खुल जाता है, आप चाहें तो खोल भी सकते हैं, जैसे ही आपको पैराशूट ओपन का बटन आ जाए, यदि आप नहीं ओपन करना चाहते तो नहीं कीजिए, पैराशूट खुद ब खुद ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाने के बाद आप कोई सी भी जगह पर जो है वो लैंड कर लीजिए। फिर यहाँ पर जैसे ही ये लैंड करेगा उसके बाद आपको जो है वो सामान सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गन वगैरह रखी है, क्रॉसबो रखी है, क्रॉसबो गन का नाम है। तो ठीक है, यहाँ पर मैं ये हाथ में पेन पकड़ा हुआ है अभी, तो हम अभी और सामान सेलेक्ट कर मतलब लेते जाते हैं, पिकअप करते जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है देखिए सामान रखा है यहाँ पर,
आगे देख लेते हैं सामान, ये देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए बैंडेजेस रखी हैं, बुलेट्स रखी हैं, आप देखिए सामान सारा लेते जाइए, मैं सबका यूज़ आपको अभी धीरे धीरे आगे वीडियो में बताता जाऊँगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है वो आपको बचते हुए, यानी देखिए अभी ये 100 प्लेयर्स हैं एक पूरे इतने बड़े आइसलैंड पर छोड़ दिए गए हैं, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप जो है वो सामान इकट्ठा कीजिए, आप जितना कर सकते हैं, आपका बैग फुल हो जाए आप उसके बाद नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्रेनाइट भी कर लिया, एक बम होता है जिसको आप दूर फेंक के वो फट जाएगा, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में, तो ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैं वापस जो है वो ऊपर चले जाता हूँ, और आपको जो है वो देखिए सामान मिलता जाता है आपको, तो आप सामान जो है वो लेते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं ऊपर चले जाता हूँ वापस इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो मैं आगे की तरफ चलते जाता हूँ, तो यहाँ पर जो है वो देखिए कुछ इस तरीके से जो है वो आप गन को एम करवा सकते हैं, जैसे कि क्रॉसबो है आप इस तरीके से देख सकते हैं। आप राइट साइड कैमरे की तरफ टच कीजिए और कैमरे स्क्रीन को मूव करवाइए और आप आसानी से शॉट मार सकते हैं। क्रॉसबो एक बार में एक उड़ा देता है। यहाँ पर देखिए आप बैंडेजेस सेलेक्ट कीजिए। अब मान लीजिए बाय चांस आपकी जो है वो हेल्थ लो हो रही है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स ले सकते हैं, तो इससे आपकी जो है वो पावर जो है पूरी फुल हो जाती है, मतलब 75% तक फुल हो जाती है। अब जैसे मैं अभी आइकन पर क्लिक करूँगा नीचे की साइड, तो यहाँ पर देखिए लिख के आ रहा है कुड नॉट, यानी कुड नॉट यू कैन नॉट यूज़ बिकॉज दैट 75%, क्योंकि आपकी अभी तक जो है वो बैटरी लाइफ बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक मुझे किसी प्लेयर ने मारा नहीं है मेरे प्लेयर को, इसलिए जो है वो ये मना कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पर बम फेंक के दिखा रहा हूँ, मैंने राइट साइड से यहाँ पर सेलेक्ट किया। आप यहाँ पर जो है बम वाले बटन पर लॉन्ग प्रेस करके रखिए और अप डाउन करके लोकेशन सेलेक्ट कीजिए और वहीं पर छोड़ दीजिए। यदि आप हाथ में ही थोड़ी देर रखे रहेंगे अपने प्लेयर के हाथ में, तो जो है वो खुद ही फट जाएगा, तो एक तरीके से वो खुद ही मर जाएगा, जिससे आप गेम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आपको क्या करना है, एक आपका सर्कल होता है, देखिए वाइट सर्कल है, इस सर्कल में आपको जीवित रहना है, यानी अलाइव रहना है इस सर्कल के अंदर। यदि आप बाहर रहोगे तो एक ब्लू सर्कल आता है, इसी के विपरीत एक ब्लू सर्कल आता है, यदि आप उसके अंदर रहे तो आप आउट हो जाओगे। अब यहाँ पर मैं देखिए सीधे सीधे रन करता जा रहा हूँ, यदि आपका सर्कल जो है वो बहुत ज़्यादा ही दूर है तो आपको एक व्हीकल की ज़रूरत होगी, एक गाड़ी की, आप चाहे वो गाड़ी बाइक हो चाहे कुछ भी हो, मतलब आपको पबजी में जितने भी जो है वो व्हीकल्स हैं उसमें आपको जो है वो जाना है, लेकिन सबसे बचते हुए उस सर्कल के आपको अंदर रहना है और सबको मारते रहना है। अभी तो फिलहाल मैं आपको ट्रेनिंग दिखा रहा हूँ, यदि मैं आउट भी हो जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे बहुत अच्छे से पबजी खेलना आता है इसलिए मैं आउट नहीं होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ड्राइव के बटन पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं सीधे सीधे चल जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो मैं चल रहा हूँ। अब मुझे देखिए मैं कितनी दूर हूँ और मुझे इतने बड़े सर्कल के अंदर जाना है, ठीक है। तो अभी तो मैं बहुत दूर हूँ, तो मैं ये देखिए चल रहा हूँ। अब देखिए मैंने थोड़ी वीडियो स्किप कर करके आपको बताते जाऊँगा, तो यहाँ पे देखिए एक आदमी दिख रहा है, मैं फटाफट से गन निकाली मैंने और इससे उड़ा दिया है, ठीक है गाइस। तो ये एक बात होती है कि आप किसी को मारें आप उसका सामान भी ले सकते हैं, आप उसके बगल में जाइए, ऊपर एक डिब्बा सा आएगा उस पर क्लिक करिए और उसके पास जितना भी सामान होगा आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं सर्कल के अभी अंदर आ चुका हूँ, एक देखिए आप ब्लू लाइन आ रही है मैप में एकदम ऊपर की साइड, ये धीरे धीरे इस वाइट सर्कल तक आ जाएगी। तो अभी तो मैं बिल्कुल एकदम बाउंड्री पे खड़ा हूँ बिल्कुल जस्ट, तो मैं थोड़ा देखिए मुझे कितना अंदर आना है, बीच तक रहना है मुझे एकदम, ठीक है। तो मैं अभी व्हीकल से जो है वो धीरे धीरे चलता जाता हूँ, तो अभी मैं वापस जो है वो व्हीकल में बैठ लेता हूँ, पर अभी और कोई आदमी आ जाए तो शायद से मैं उसे भी मार दूंगा, ठीक है। तो अभी मैं ड्राइव करके धीरे धीरे चलते जा रहा हूँ और आगे बढ़ते जाते, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मुझे ये वाली जो है वो गाड़ी सिलेक्ट करनी है, क्योंकि वो जो है वो कार थोड़ी स्लो चलती है, ये ज़्यादा तेज़ चलती है, तो ठीक है। देखिए एक और आदमी दिखा मुझे, एक और दिखा, मैं आपको स्किप कर करके छोटे छोटे शॉट्स दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने मारा, अब देखिए मुझे सर्कल के अंदर रहना है, मैं देखिए एक सर्कल और छोटा बन गया, ब्लू सर्कल जो है वो उधर आ चुका है। अब मेरे पे तो गाड़ी है, यदि कोई आदमी मतलब जिसके पास व्हीकल ना हो तो वो यदि पैदल होगा तो उसको जो है वो दिक्कत आएगी, ब्लू सर्कल बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ जाता है और यदि आप उसके बाहर रह गए तो जो है वो आपकी बैटरी लाइफ धीरे धीरे कम होती जाएगी और आप गेम से जो है वो आउट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक और आदमी दिखा मुझे, मैंने मार दिया, ठीक है। तो एक और दिखा, एक और मार दिया मैंने, एक और मार दिया, यहाँ पे 8 किल्स कर दिया। यदि देखिए आपकी बैटरी कमज़ोर हो जाए, देखिए 75 से रेड रेड हो रही थी इसलिए मैंने बैंडेज अप्लाई कर ली, तो देखिए वापस वाइट हो गई है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल मैं रेड जोन में खड़ा हूँ। ये देखिए एनर्जी ड्रिंक भी होता है, इसे भी आप पी सकते हैं, मतलब अपने प्लेयर को पिलवा सकते हैं,
ठीक है। आप देखिए सर्कल कितना छोटा हो गया, मुझे इस सर्कल के एकदम बीच में रहना है। तो फिलहाल तो मैं बाउंड्री पे खड़े होकर खेलता हूँ, ब्लू सर्कल पीछे से आ रहा होता है कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो बस अगर ब्लू सर्कल के मैं थोड़ा बाहर हो जाता हूँ तो अंदर की साइड चले जाता हूँ। पर आप हमेशा एकदम ऐसी जगह चूज़ करके रखिए जहाँ पे आप, जहाँ से आप प्लेयर को भी मार सकें। देखिए और छोटा हो गया है, देखिए अभी आपको कितने दूर जाना है, ये बहुत छोटा होता जाएगा और आप कुछ ही प्लेयर्स बचेंगे और जो लास्ट तक बच जाएगा वो जीत जाएगा, उसे चिकन डिनर मिलता है गाइस। ये गेम का है कि चिकन डिनर जो जीत जाता है उसे मिल जाता है। एक तरीके से आप जब टीम बना के खेलते हो, ऑनलाइन गेम है, तो एक अलग ही मज़ा आता है इस गेम को प्ले करने में। तो यहाँ पे तो देखिए मैं आपको एंटरटेनमेंट के लिए वैसे ही गाड़ी चला रहा हूँ, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं इस गेम में, मतलब ये तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रहा हूँ, फिर से वॉइस इसमें डाल रहा हूँ। तो फिलहाल मैं इस जो है गेम में चिकन डिनर मैंने जीता था गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए, पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप जो मुझसे कमेंट्स में टॉपिक पूछेंगे मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा, उसके लिए नई वीडियो भी लाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।